सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोडरमा कांग्रेस ने कोविड 19 सेवक जिला पदाधिकारियों की एक बैठक जुमरी तिलैया स्थित इमाम क्लिनिक परिसर में की। बैठक की अध्यक्षता कोडरमा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज साहब उर्फ पिंकू ने किया। बैठक में जबकि मतौर मुख्य रूप से कोविड 19 जिला प्रभारी जेपी सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान अपने संबोधन में जेपी सिंह ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस की ओर से कई बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला अध्यक्ष मनोज साहब पिंकू की सराहना करते हुए कहा कि कोडरमा में कांग्रेस जनों द्वारा जरूरतमंदों की सेवा निरंतर की जा रही है, इसके लिए जिला अध्यक्ष एवं उनकी टीम बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि जिले में 100% कोविड टीकाकरण कराने के लिए सेवकों को बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक है। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू के सफलतम 3 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने पर कांग्रेसजनों ने बधाई दी। बैठक के उपरांत नगर परिषद क्षेत्र के दर्जनों जरूरतमंद परिवारों के बीच अनाज व मास्क का वितरण किया गया। मौके पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर एस अली इबाम, महासचिव संजय सेठ, महिला जिला अध्यक्ष बेबी सिन्हा, महासचिव सह मुखिया धीरज कुमार, खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुधांशु शेखर सुमन, जिला सचिव सऊद खान, प्रदेश प्रतिनिधि तुलसी मोदी, झुमरई तिलैया नगर अध्यक्ष प्रभात राम सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कोडरमा से गौतम कर्ण की रिपोर्ट।